अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी पर एक राजा का शासन था। कुछ भी सोचे बिना वह छोटे छोटे अपराध के लिए भी मृत्यु दंड दे देता था। एक बार एक गुरु और उसका शिष्य नगर में घूम रहे थे। शिष्य से अनजाने में कुछ अपराध हो गया। सैनिक उसे पकड़कर राजा के सामने ले गए। राजा ने उसे सूली पर चढ़ाकर मारने का दंड दिया। अब बचने का कोई उपाय नहीं था। बचाने के लिए शिष्य गुरु से विनती करने लगा। गुरु ने मार्ग निकाल दिया। अचानक गुरु और शिष्य आपस में बहस करने लगे। गुरु ने कहा, सूली पर मुझे चढ़ने दो। किंतु शिष्य ने आग्रह किया, नहीं गुरुजी, आप मुझे अवसर दें, मुझे सूली पर चढ़ने दें। उनका विवाद सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। सूली से मरने के लिए ये आपस में क्यों प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? राजा ने उनसे कारण पूछा। गुरु ने एक चलाकी भरा उत्तर दिया, स्वर्ग का सिंहासन इस समय खाली है। इस समय जो भी सूली द्वारा मरेगा उसे ही स्वर्ग का सिंहासन मिलेगा, यह देवताओं का निश्चय है। राजा ने उस पर विचार किया, क्यों ना मैं ही स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ जाऊं। यह विचार आते ही स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने की वासना से राजा ने शिष्य को छोड़ दिया और स्वयं सूली पर चढ़ गया। नोट, गुरु अपने शिष्य की हमेशा ही रक्षा करते हैं। संसार की उलझनों में से गुरु ही हमें बाहर निकालते हैं और सफलता के साथ हमारा संबंध करा देते हैं। कुछ लोग दूसरी कंपनी में स्वर्ग दिखाते हैं, परंतु उनसे अपनी कंपनी छोड़नी पड़ती है। स्वर्ग भी नहीं मिलता और अपनी कंपनी और सपना भी छूट जाता है। थैंक यू। जय हिंद। जय भारत।